दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों मैं टीसी नागिया आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश की बात करेंगे। दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, अगर आप सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर इंग्लिश सेकंड ग्रेड के लिए कक्षाएं जारी रहेंगी, जिसमें आपको तीनों पार्ट जो इंग्लिश सेकंड ग्रेड के लिए हैं वो करवाए जाएंगे। तो फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट थर्ड की करने वाले हैं, जिसमें हम मेथड और अप्रोच के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने मेथड का नाम तो ज्यादातर स्टूडेंट ने सुना ही होता है कि मेथड क्या होता है। मेथड किसी भी जो है विषय को पढ़ाने का एक तरीका होता है, उसको मेथड कहते हैं। लेकिन दोस्तों अप्रोच जो होती है ना, वो होता तो मेथड ही है, लेकिन उसका ब्रॉडर जो है ना एक टाइप, मेथड का एक ब्रॉडर टाइप कहलाता है। मतलब अप्रोच भी एक तरीके से पढ़ाने का तरीका ही है, लेकिन ये विस्तृत अर्थ देता है और मेथड जो है थोड़ा कम अर्थ देता है। यानी कि हम मेथड और अप्रोच के डिफरेंस की बात करें ना, तो एक अप्रोच जो होता है ना, इसमें बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक अप्रोच जो है ना वो ज्यादा विस्तृत अर्थ देता है। एक अप्रोच में एक से अधिक मेथड हो सकते हैं, और मेथड जो होता है ना ये एक तरीका होता है, एक मैनर होता है किसी चीज को पढ़ाने का, एक तरीका ही मान लो, या इसको आप मैनर कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, पढ़ाने का मैनर। दोस्तों मैनर और मैनर्स में फर्क होता है। मैनर तो तरीका होता है और मैनर्स व्यवहार होता है। सिर्फ एस लगने से ही अर्थ चेंज हो जाता है। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले तो हम ये जो मेथड है और अप्रोच है इसमें क्या डिफरेंस होता है, पहले तो ये जानेंगे कि जो अप्रोच है और मेथड है इनमें क्या डिफरेंस होता है, अर्थात मेथड और अप्रोच में क्या अंतर है। फिर हम जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के टीचिंग मेथड जो है उनको जानने की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले आपको बताऊंगा कि अप्रोच क्या होती है। अप्रोच क्या होती है या अप्रोच की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों अगर अप्रोच की बात करें ना, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एन अप्रोच इज ए ब्रॉडर टर्म देन मेथड। यानी कि जो अप्रोच होती है वो एक विस्तृत टर्म होती है मेथड की अपेक्षा। तो इसकी फर्स्ट लाइन है ना, आप जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद फिर आप इसको स्लो चलाइए और इसको देखते हुए आप नोट्स भी प्रिपेयर करें अच्छे से, और इसका वीकली जो है टेस्ट भी अरेंज करेंगे अपने, जितना भी अपने मंडे टू सैटरडे पढ़ेंगे, संडे को अपने एक इसका टेस्ट लेंगे, जितना भी अपने एक वीक में पढ़ेंगे उसका टेस्ट लेंगे। तो आज से ही आपकी जो है ये चीजें स्टार्ट हो रही हैं। आज से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट संडे को इसका पूरे वीक में जितना हम पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। दोस्तों अप्रोच में पहली लाइन हम क्या लिखेंगे कि अप्रोच, एन अप्रोच, एन approach is broader, broader मतलब विस्तृत term than method, कि जो approach होती है वो method से थोड़ी broad होती है, मतलब एक विस्तृत अर्थ देती है। दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि approach is एक्सियोमेटिक। अप्रोच क्या होती है, एक्सियोमेटिक, और ये एक्सियोमेटिक क्या होता है दोस्तों इसकी भी बात करेंगे हम। एन अप्रोच इज एक्सियोमेटिक, एक्सियोमेटिक। ये जो स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आते हैं ना, वहां पर ये लाइनें आ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना। अप्रोच इज एन एक्सियोमेटिक। दोस्तों ये एक्सियोमेटिक क्या होता है, एक्सियोमेटिक दोस्तों बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। स्टडी ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, उसको हम क्या बोलेंगे,
एक्सियोमेटिक। तो पहली लाइन है अप्रोच का अर्थ समझ रहे हैं, पहली लाइन कह रही है कि इन अप्रोच इज ब्रॉडर टर्म देन मेथड, यानी कि अप्रोच जो है मेथड से अधिक विस्तृत अर्थ देता है। और दूसरा अप्रोच जो होती है ना वो एक्सियोमेटिक होती है। एक्सियोमेटिक का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ, यानी कि ये अपने खुद के प्रयोग के आधार पर किया गया अध्ययन और उसके आधार पर आपने जो तरीका निकाला है पढ़ाने का उसको एक्सियोमेटिक कह सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात करें कि विद वन अप्रोच देयर कैन बी मेनी मेथड्स, एक अप्रोच के साथ बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। इसलिए हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर बनती है कि विद एन अप्रोच देयर कैन बी मेनी मेथड्स कि एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अप्रोच और मेथड में क्या फर्क होता है, तो दोस्तों ये तो होता है अप्रोच। अब अप्रोच के बारे में अपने को ये समझ में आ रहा है कि अप्रोच इज ब्रॉडर टर्म्स देन मेथड, अप्रोच जो होता है वो मेथड से ज्यादा ब्रॉड होता है, और अप्रोच जो होता है एक्सियोमेटिक होता है, एक्सियोमेटिक का अर्थ होता है स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ। और तीसरी जो बात है अप्रोच के संबंध में वो ये है कि विद एन अप्रोच देयर कैन बी मेनी मेथड्स, कि एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेथड की, कि मेथड क्या होता है। चलो ये बात तो हो गई अप्रोच की, और मेथड क्या होता है और कौन कौन से मेथड हमें सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ने पड़ते हैं। और दोस्तों इस क्लास का आपको ये भी फायदा होगा कि अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहां पर भी जो है ना आपको मेथड पढ़ने पड़ते हैं, तो ये मेथड आपको वहां पर भी काम आएंगे। मैं पूरे मेथड बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाऊंगा, और लास्ट में मेथड से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, अब तक कौन कौन सी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं मेथड से, वो सारे अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब जानते हैं कि मेथड क्या होता है दोस्तों। किसी भी विषय को अगर आप पढ़ाते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं और आप अपने विषय को जो भी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जो भी लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, उसका जो ओवरऑल प्लान बनाते हैं आप एक क्रम से, या आप जो ओवरऑल प्लान बनाते हैं ना उसको हम मेथड कहते हैं, वो मेथड के अंदर आता है। मान लो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने हैं, आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच में आती हैं। फिर टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव आता है, नरेशन आता है, ये सारी चीजें आप इनको एक क्रम प्रदान करते हैं, एक इनको ऑर्डर देते हैं और एक इनका प्लान तैयार करते हैं कि आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स के सामने दोस्तों, उसी को मेथड कहा जाता है। इसलिए अगर हम इसको डेफिनेशन को थोड़ा शब्दों में बताने की कोशिश करें तो मेथड की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि मेथड, यहां पर कह सकते हैं कि मेथड इज एन ओवर ऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, which is based upon the selected approach। अब देखिए ये कह रहा है कि मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन, कि मेथड जो होता है कि एक प्लान है, किसी भी प्रेजेंटेशन को आप क्रम देकर उसका जो प्लान बनाते हैं लैंग्वेज के लिए उसको हम मेथड कहते हैं। और मेथड जो होता है ना
बेस्ड ऑन सेलेक्टेड अप्रोच, किसी एक निश्चित अप्रोच के ऊपर ये होता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अप्रोच और अगर मेथड की बात की जाए तो मेथड जो है ना वो छोटा है, अप्रोच बड़ी है, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक अप्रोच अप्रोच में बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया डिफरेंस, मुख्य रूप से डिफरेंस हो गया। तो अपने को अप्रोच नहीं, अपने को यहाँ पर मेथड की जानकारी हासिल करनी है। तो यहाँ पर मेथड जो है वो कौन कौन से मेथड हमारे सिलेबस में है, कौन कौन से मेथड इंग्लिश के लिए होते हैं, इन मेथड को अपने को पढ़ना है दोनों ही, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे रीट हो, दोनों जगह मेथड आपके आते हैं। तो अब हम बात करेंगे अलग अलग मेथड के। तो इंग्लिश में दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि जो मेथड होते हैं ना इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से दो भाग हैं, एक तो ओल्ड मेथड कहलाते हैं और एक न्यू मेथड कहलाते हैं। ओल्ड मेथड और न्यू मेथड में क्या फर्क है, ओल्ड मेथड कौन कौन से हैं और न्यू मेथड कौन कौन से हैं, इनके सारों के अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं, इन सारों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अब देखते हैं अपने जो मेथड हैं वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मेथड्स की। अगर मैं आपको बता दूं कि मेथड्स जो है ना वो इंग्लिश ग्रामर में दो, इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर नहीं कहते हैं हम इसको, इंग्लिश लैंग्वेज कहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों दो टाइप के मेथड हैं। एक तो है ओल्ड मेथड, एक तो है ओल्ड मेथड्स, ठीक है, और जो दूसरे मेथड हैं वो हैं न्यू मेथड, न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड भी हैं और न्यू मेथड भी हैं, लेकिन कौन से ओल्ड मेथड हैं और कौन से न्यू मेथड हैं उनकी बात की जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने बात करते हैं कि ओल्ड मेथड कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो एक ट्रांसलेशन ग्रामर मेथड होता है जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं, वैसे इसका नाम है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ग्रामर मेथड, ठीक है, ये ओल्ड मेथड है। और ओल्ड मेथड में दूसरा मेथड कौन सा है दोस्तों, ओल्ड मेथड में दूसरा मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ये है दूसरा मेथड। और अगर इन न्यू मेथड की बात करें दोस्तों तो न्यू में पहला मेथड कौन सा है, ओल्ड दो ही है ये मेथड, बाकी न्यू मेथड है, जैसे डॉक्टर वेस्ट का एक मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट का मेथड जो है ये न्यू मेथड माना जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और जो दूसरा मेथड है दोस्तों न्यू मेथड वो है सबस्टिट्यूशन मेथड, इसको सबस्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है दोस्तों वो एक न्यू मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दोस्तों एक होता है बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा मेथड जो है न्यू मेथड के अंदर आता है वो है बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। तो ये तीनों न्यू मेथड माने जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोच भी अगर हम यहाँ पर तो सिर्फ मेथड की बात करते हैं, अगर हमने क्लासिफिकेशन किया है, हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है किसका, मेथड का, एक तो ओल्ड मेथड होते हैं और एक न्यू मेथड होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को ओल्ड मेथड माना जाता है, और डायरेक्ट मेथड भी इंग्लिश लैंग्वेज का ओल्ड मेथड है दोस्तों। और अगर इधर बात करें न्यू मेथड की तो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जो है वो भी न्यू मेथड है दोस्तों, ये भी न्यू मेथड है, और बाइलिंगुअल मेथड भी है, ये भी न्यू मेथड है। तो हम इन पांचों मेथड्स की बात करेंगे, लेकिन बात अगर मेथड की आई है तो हम बात अप्रोच की भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर अप्रोच की भी बात कर लेते हैं, इन अप्रोच को भी अपने को, सॉरी ये ऐसे होगा, अप्रोच की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ये पांच मेथड हैं, दो नए, दो दो पुराने और तीन नए, वैसे ही जो है इंग्लिश ग्रामर में दो अप्रोच भी मानी जाती हैं, दो
अप्रोच जो है वो कौन सी है दोस्तों? एक तो होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच और एक होती है सिचुएशनल अप्रोच। तो इनके भी बारे में अपने जान ही लेंगे कौन सी दो अप्रोच होती हैं। आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि अप्रोच जो होती है ना वो बड़ी होती है मेथड से। हमारी भाषा में, अपने आम भाषा में, सरल भाषा में कह दे तो अप्रोच मेथड से बड़ी होती है। एक जो अप्रोच होती है उस पर कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो ये अप्रोच जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी अप्रोच होती है? एक तो होती है स्ट्रक्चरल, एक तो होती है स्ट्रक्चरल अप्रोच और एक होती है सिचुएशनल। सिचुएशनल अप्रोच दोस्तों, इन दोनों अप्रोच की भी अपने बात करेंगे। फिलहाल तो हमने सिर्फ यहां पर क्लासिफिकेशन किया है, इनके बारे में अभी हमने जाना नहीं है कि क्या होते हैं, कैसे इनमें पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेथड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड जो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है और एक डायरेक्ट मेथड है। न्यू मेथड की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाते हैं एक तो हमारा डॉक्टर वेस्ट मेथड, न्यू मेथड के अंदर एक आता है सबस्टिट्यूशनल मेथड और एक आता है बाइलिंगुअल मेथड। अप्रोच की बात करें तो दो होती हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच और सिचुएशनल अप्रोच। क्या स्ट्रक्चरल अप्रोच बताती है, क्या सिचुएशनल अप्रोच होती है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे मेथड से, और मेथड में हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसकी तमाम जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि, और दूसरा तरीका ये है कि वीडियो को धीरे धीरे चलाएं और आप धीरे धीरे बात को सुने समझें और फिर जो है लिखें उसको। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे करोगे तो आप आसानी से बात को सुन भी सकते हो और लिख भी सकते हो। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, फटाफट से आपके कमेंट पर रिएक्शन आएगा, आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने बात करते हैं आगे कि ये जो ओल्ड मेथड है, हम सबसे पहले ओल्ड मेथड को पढ़ेंगे और ओल्ड मेथड में भी हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। तो आइए जानते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ग्रामर मेथड दोस्तों, इस मेथड के बारे में आज हम जानेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है ना, उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है ज्यादातर टीचर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा ही बताते हैं। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें जो है डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है, बाकी जो हिंदी मीडियम स्कूल है उनमें लगभग ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की बात करूं तो जैसे कि अपनी ये क्लास भी है ना, ये भी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड पे ही चल रही है। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है ना, मदर लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए एक फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ाता है। आप किसी विदेशी भाषा को अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए या क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए पढ़ाते हैं तो उसको ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड दोस्तों कहा जाता है। सीधी सी बात तो यही है इसमें। हालांकि पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, लेकिन अगर अपने निष्कर्ष की बात करें ना कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता क्या है, बस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में यही होता है कि आप किसी फॉरेन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में पढ़ाओगे तो ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड कहलाता है। इसमें कुछ चीजें हैं जो लाइन टू लाइन फैक्ट हैं वो आपको याद करना है सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो मैं आपको ज्यादा पेज भी नहीं भरवाऊंगा यहाँ पर, मैं कुछ फैक्ट्स की ही बात करूंगा। उन फैक्ट्स को सीधे से आपको लिखना है, उनको सीधे से नोट्स बनाने हैं, उन्हीं फैक्ट्स को याद करना है। जैसे ही ये मेथड खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे कौन कौन से शिक्षक भर्ती परीक्षा में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सेकेंड ग्रेड हो चाहे वो रीट हो। इसलिए आपको सीधे फैक्ट्स पे ले जा रहा हूं मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, मैं सीधे तथ्यों की बात करूंगा और उन्हीं तथ्यों को आपको लिखना है। जैसे कि इस मेथड की बात
कही जाए ना दोस्तों कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है ना, ये ओल्ड मेथड है, ये तो आपको बता ही दिया मैंने, और ये पुराना मेथड होने के कारण इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। तो हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका दोस्तों, इसका नाम है क्लासिकल मेथड। तो आपको याद रखना है कि क्लासिकल मेथड किसको कहा जाता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। और दोस्तों ये जो इंडिया में आया कहाँ से, ये ब्रिटेन से इंडिया में आया। कहाँ से आया था, ब्रिटेन में, और जो ब्रिटिश लोग थे वो इसको इंडिया के अंदर लेके आए थे। ये इंडिया में किससे आया, ब्रिटिश ब्रिटेन से आया था, और इसको कौन लेके आए थे, ब्रिटिश लेके आए थे। भारत में जो अंग्रेजों का राज था उस समय ये अंग्रेज जो थे ना इस मेथड को इंडिया में लेके आए थे, और पुराना होने की वजह से इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें ना, तो ये मेथड जो है ना वो इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, इसके पीछे फिलोसफिकल बेस है। और उस फिलोसफिकल बेस की जो है ना दो बातें हैं वो याद रखनी है। तो इसके लिए, इसलिए हम इसके साथ कह सकते हैं कि नो साइकोलॉजिकल बेस, कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, नो साइकोलॉजिकल बेस, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, मतलब कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है इसका, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है इसका। लेकिन दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार तो नहीं है, फिलोसफिकल बेस जरूर है इसका, मतलब एक दार्शनिक आधार है इसका। तो हम इसमें कह सकते हैं कि फिलोसफिकल बेस, जो फिलोसफिकल बेस है, फिलोसफिकल बेस, अब ये जो फिलोसफिकल बेस है ना ये इसका है, लेकिन साइकोलॉजिकल बेस नहीं है। इस फिलोसफिकल बेस की दो बातें याद रखनी है यहां पर। पहली बात तो ये कि अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजली लर्न्ड थ्रू ट्रांसलेशन। पहली बात तो ये, एक बार दोनों बातें मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों बातों के अर्थ क्या हैं। दूसरी बात है, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। देखो दोस्तों ये दो बातें याद रखनी है आपको। याद रखना है कि जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरा, ब्रिटिश लोग इसको यहाँ पर लेके आए थे ब्रिटेन से। तीसरी बात है कि इसका कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इस मेथड का फिलोसफिकल बेस जरूर है, और इस फिलोसफिकल बेस के आधार पर हम कहते हैं कि अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी easily learned through translation, कि कोई भी विदेशी भाषा जो होती है वो translation के द्वारा आसानी से सीखी जा सकती है। कोई भी foreign language को translation के माध्यम से हम आसानी से सीख सकते हैं। और दूसरा इसका philosophical base ये है कि grammar is the soul of language, grammar जो होती है ना वो किसी भी भाषा की आत्मा होती है। किसी भी भाषा को सीखना है तो उसकी आत्मा को जानना जरूरी है, अर्थात उसकी ग्रामर को जानना जरूरी है, तभी हम उस भाषा को सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये दो फिलोसफिकल बेस जो हैं वो इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के हैं। तो ये बेसिक बातें थी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। ब्रिटेन से ये मेथड इंडिया में लाया गया, कौन लाया था, ब्रिटिश लोग लाए थे। साइकोलॉजिकल बेस नहीं है, फिलोसफिकल बेस है, और फिलोसफिकल
बेस के तहत हम कह सकते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, की एक विदेशी भाषा ट्रांसलेशन के माध्यम से आसानी से सीखी जाती है, और ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, और ग्रामर जो होती है ना किसी भी भाषा की जो है वो आत्मा होती है। दोस्तों ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो वीडियो है, आपको अगर मेथड में आगे तभी बढ़ाऊंगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये क्लास आपके लिए उपयुक्त है या नहीं है। इसमें हम आगे प्रोसीजर ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड की भी बात करेंगे, इसके मेरिट्स भी की बात करेंगे, इसके लाभ क्या हैं, इसके डीमेरिट्स की भी बात करेंगे, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे, मतलब विशेषताओं की भी बात करेंगे। यानी कि इस मेथड में अभी पढ़ने को और बाकी क्या क्या है, एक तो सबसे पहली बात जो है इसमें बाकी है कि आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि इस मेथड का प्रोसीजर क्या है, सॉरी PROCEDURE, प्रोसीजर। और दूसरा आपको इसमें अभी सीखना है कि इसके मेरिट क्या है, अर्थात इसके लाभ क्या हैं। तीसरा इसके डीमेरिट क्या हैं, डीमेरिट इसकी हानियां क्या हैं, और चौथा है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्टिक्स, ये चीजें भी बाकी हैं, प्रोसीजर, मेरिट, डीमेरिट और कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट में आते हैं क्वेश्चन, लास्ट में क्या आते हैं, क्वेश्चन। लेकिन ये क्लास में आगे तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा दोस्तों आप मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई करें कि हाँ सर ये क्लास अच्छी है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, कमेंट करेंगे आप और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करेंगे तो इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं पूरा सिलेबस इसी तरह आपको कराऊंगा, चाहे मेथड हो, चाहे लिटरेचर वाला पार्ट हो, चाहे ग्रामर वाला पार्ट हो, पूरा सेकंड ग्रेड और रीट का मैं आपको सिलेबस यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। बात करें फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की तो फर्स्ट ग्रेड में अलग है, उसमें दो पार्ट हैं, लिटरेचर का भी पार्ट है, तीन पार्ट है सॉरी, ग्रामर का भी पार्ट है और ग्रेजुएशन लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। पर आप मुझे ये वीडियो देखने के बाद बताएं कि क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, कमेंट करके बताएं, दोस्तों के बीच शेयर करें, फिर इस क्लास को अपने कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका एक फिक्स समय मैं आपको बता दूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वहाँ पर अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।